नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा में कल एक घटना होती है, एक प्लेन क्रैश होता है। आपको बताएं कि उमरी का यह पूरा क्षेत्र है, उमरी गांव है रीवा से लगा हुआ, जहां पे ये प्लेन क्रैश हुआ है। दो लोगों के घायल होने की खबर थी, इसके बाद पायलट जो इनके थे उनकी मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। ये आपको बताएं कि ये पूरा आप पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम जब हुआ तो ऊपर से प्लेन आते हुए और नीचे मंदिर से टकराते हुए ये ज़मीन पर गिरा है पूरा प्लेन। मंदिर, जिस मंदिर के गुंबद से यह टकराया हुआ है प्लेन, फिर इसके बाद यह गिरता है और इसके बाद यहाँ पे दो लोगों के हताश होने की शुरुआत में खबर थी। अब ये बताया जा रहा है कि जिसमें इनके प्रमुख जो पायलट थे उनकी मौत हो गई है। हमारे साथ रीवा कलेक्टर और रीवा के DIG हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, कब की घटना ये बताई जा रही है और किस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं? 11:30 से 12:15 के बीच की ये घटना है और एग्जैक्ट टाइमिंग और एग्जैक्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम आ रही है। जो इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की टीम है वो आ रही है और वो आके पूरे घटनाक्रम के बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी। दो लोगों के हताश होने की खबर जो आई है, जिनमें एक पायलट की मौत हो गई है, तो क्या पता चल पा रहा है वो कहाँ के रहने वाले हैं? पायलट तो यहीं स्टेशन थे और उनके बारे में विस्तार से जानकारी निकाली जा रही है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे जैसा इनके लोगों ने बताया है, तो उनकी डेथ हुई है और जो साथ में ट्रेनी था वो इंजर्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। हमारे पास साथ रीवा DIG हैं, हम बात करेंगे। सर, कैसी घटना और क्या जानकारी मिल पा रही है अभी तक? अभी जो हम लोगों ने घटनास्थल विजिट किया है और चर्चा हुई है, बाकी जो यहाँ पर उस समय मौके पर लोग थे और जो फाल्कन एकेडमी के लोग हैं, तो जो घटनाक्रम रात को 11:30-12 के बीच में हुआ है उसमें जैसा कि आपको बताया अभी कलेक्टर साहब ने कि एक की डेथ हुई है और दूसरे का इलाज चल रहा है। अभी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रहती है उसको हम लोग वेट कर रहे हैं। तब तक घटनास्थल को हमने सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त फोर्स के इंतजाम यहाँ कर दिए हैं, जिससे कि पूरी चीज़ें उनकी सुरक्षित रहें और आके उनको वास्तविक कारण ज्ञात करने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ठीक है। रात लगभग 11:30 की ये घटना बताई जा रही है, जब ये प्लेन पेड़ से टकराते हुए मंदिर के गुंबद से लड़ते हुए नीचे गिरा और दो लोग घायल हुए, जिसमें पायलट की मौत हुई है। हमारे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, ग्राम के सरपंच हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या जानकारी मिली, कैसे आपको जानकारी हुई कि यहाँ पे ये घटना हुई है? हमको अभी सुबह जानकारी हुई कि ये एक प्लेन क्रैश हो गया है यहाँ पर और एक पायलट की मृत्यु हो गई है और हमको लगता है कि ये कोहरा और विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये हादसा हो गया है। ठीक है। तो जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो प्रमुख तौर पे ये कि शायद कोहरे के ज़्यादा होने की वजह से ये घटना हुई है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे। या कहाँ के हैं? उमरी गांव के हैं। क्या जानकारी मिली, कैसे जानकारी हुई कि ये हमको रात में जानकारी मिली कि यहाँ प्लेन घर के पास गिर गई है, ये कोहरा कारण ये हादसा हुआ। कोहरा के कारण और क्या, क्योंकि वो उतर नहीं पाई तो उमरी बस्ती में आके पेड़ से लड़ते हुए मंदिर के गुम्बद तोड़ते हुए जाके पैरा पे गिर गई। रात में 2-3 बार इधर उधर घूमे भी है, ऐसा लग रहा था कि इसको जगह नहीं, लोकेशन नहीं समझ में आ रही। रात में 2-3 बार ऐसे राउंड मारी है ऐसे नीचे नीचे ही, तभी ऐसे लग रहा था कि इसको लोकेशन नहीं मिल रही है, इसी कारण वो गलत जगह में उतार दिया है। यानी स्थानीय लोगों का ये कहना है कि शायद पायलट कंफ्यूज था, उड़ रही थी प्लेन, नीचे आ रहे थे, मतलब कि शायद उसे कोहरे के कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इस कारण से ये घटना हुई। यानी यह पेड़ से टकराते हुए और मंदिर के गुंबद से लड़ते हुए प्लेन नीचे गिरा है और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, खलपच्चे उड़ गए हैं और उन्हें तुरंत संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर पायलट को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया है।